मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर दवाइयों का जखीरा पकड़ने में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। फरुखाबाद के थाना कमालगंज क्षेत्र के रजीपुर गांव में खुशबू मेडिकल स्टोर पर एक्सपायर दवाई की शिकायत की गई, जिस पर SDM ने बड़ा एक्शन लिया। बता दें कि जांच में दुकान के अंदर बड़ी मात्रा में एक्सपायर दवाइयाँ पाई गई। मेडिकल स्टोर संचालक आम जनमानस के जीवन से एक्सपायर दवाइयाँ बेच कर खिलवाड़ कर रहा था। बता दें कि मेडिकल स्टोर को सीज कर दिया गया है। दवाइयाँ बेची जा रही हैं, उसी क्रम में यहाँ जांच की गई तो पता चला कि काफ़ी मात्रा में एक्सपायरी दवाइयाँ यहाँ पाई गई हैं। प्रोप्राइटर नहीं है, 2017 से कोई बिल ही नहीं जारी किया जा रहा है। यहाँ दुकान पे छोटे पर्ची पे पैसा जोड़ के दे देते हैं, आप दवा लीजिए, बिल नहीं बना करके देते हैं। और ये कि RMP या एक फार्मासिस्ट को बैठना चाहिए, इनके यहाँ है। बगल में जनरल स्टोर भी खोले हैं, उसका लाइसेंस नहीं है, उसमें भी ग्लूकोज की योजना, आप देख रहे हैं नकली ग्लूकोज वाली दवा है। कोतवाली कायमगंज क्षेत्र के कांशी राम कॉलोनी में शराब के नशे में होमगार्ड का दरोगा बदतमीजियां करता दिखा, जिसका कॉलोनी का महिलाओं ने पुरजोर विरोध किया। दरोगा नशे की हालत में SP को गालियां देने लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बड़े भैया, हमने अभी नशे में हो, नशा जब तुम्हारा उतर जाए उसके बाद बात करो। देखो हमने लगाई, सब काम किए, लाके किसने दी? नहीं, लेके गए थे या किसी ने लाके दी? आप तुम समझ नहीं सकते। अरे तुम ही बताओ ना, हम पूछ रहे तुमसे। अब तो नशे में बताओ, SP साहब तक को गालियां दे रहे हैं। हमने कहा कहीं गाली नहीं भैया, हमने लाके दी। गोंडा जनपद की CHC तरबगंज अपने कारनामों को लेकर एक बार फिर चर्चा में है। अभी हाल में ही रात में मोबाइल के टॉर्च की रोशनी से प्रसव का मामला थमा भी नहीं था कि जन्म प्रमाण पत्र बनाने व डिलीवरी करने में धनुगाही का मामला सामने आया है। एक ग्रामीण द्वारा अपने बेटी के जन्म प्रमाण पत्र बनवाने की बात फोन पर करने से अस्पताल में तैनात कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्णा शुक्ला द्वारा 400 रुपये की डिमांड की गई है। यही नहीं, जन्म प्रमाण पत्र बनाकर देने के बदले अवैध धन उगाही भी यहां तैनात आयुष्मान मित्र अनिल सिंह से कराई गई है, जिसका वीडियो व ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीड़ित ग्रामीण का कहना है कि वीडियो मीडिया में देने पर कृष्णा शुक्ला द्वारा उसे धमकी भी दी जा रही है। डिलीवरी कराई, पैसा देना पड़ता है? हाँ। कौन लेता है? स्टाफ नर्स लेती है। अच्छा, हाँ। अच्छा। ले सकते है और इसमें और भी कोई लोग मिले होते हैं? अकेले ही लेते हैं? हम नहीं जानते हैं, स्टाफ नर्स लेती हैं, उन्हीं को जानते हैं, जिसका पैसा देते हैं उन्हीं को हम जानते हैं। अच्छा, एक डिलीवरी पर 700-800 रुपये? हाँ, 1100 रुपये मांगती हैं, प्लस 1000 देना पड़ता है। अच्छा, हाँ जी। रिसर्च की डिलीवरी हुई थी प्राइवेट हॉस्पिटल देवसर में जी, और उसके बाद हमें जन्म प्रमाण पत्र बनवाना था। फिर जन्म प्रमाण पत्र बनवाने के लिए हम हॉस्पिटल यहाँ सामुदायिक केंद्र तरबगंज गए। वहाँ पे लोगों से पता किए तो पता चला कि कंप्यूटर ऑपरेटर कृष्णा शुक्ला जी हैं, वो जन्म प्रमाण पत्र बनाते हैं। थाना सेक्टर 39 नोएडा पुलिस द्वारा भारी मात्रा में गोल्ड नगदी बरामद की गई है। बता दें कि मामले में वंचित 10,000 रुपये का इनामी एक शातिर चोर गिरफ्तार हो गया है। बता दें कि अभियुक्त द्वारा बताया गया कि उसने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर सिल्वर सिटी सोसाइटी Delta 1 सूरजपुर के कमरे में अत्यधिक मात्रा में कैश व सोने के बिस्किट तथा आभूषण चोरी किए थे तथा आपस में बांट लिए थे। 39 पुलिस द्वारा इसी महीने 11 जून को एक बड़ा खुलासा किया था, जिसमें केलों को गिरफ्तारी के साथ हम कुछ सोना और कैश बरामद किए थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए हम लोग अलग अलग टीम बनाई गई थी, जो 4 लोग फरार चल रहे थे, जो लोनी गाजियाबाद का जो गिरोह था उसको लेके हम लोग अलग अलग टीम बनाई गई थी। उसको पर्यवेक्षण नेशनल DCP रंगजय द्वारा किया जा रहा था। उसमें एक क्लू मिल गई थी कि सन्नी पुत्र घनश्याम, जो लोनी गाजियाबाद का रहने वाला है, फला फला जगह से जा रहा है। वीर का सूचना मिली थी, उस सूचना के आधार पर पुलिस ने इनको गिरफ्तार किया। गिरफ्तार के बाद का वजन 1 किलो है। जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सपा के उम्मीदवार अभिषेक यादव अंशुल द्वारा शनिवार को किए गए एकमात्र नामांकन के बाद उनका निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुनना तय हो गया है। भाजपा की ओर से प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह द्वारा इटावा में जीत का दावा करने के बावजूद पार्टी किसी प्रत्याशी का नामांकन कराने तक की हिम्मत नहीं जुटा सकी। अपना नामांकन करने के बाद मीडिया से अंशुल यादव ने बातचीत की, चलिए देखिए कि उन्होंने क्या कहा। जनता का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करता हूँ, इन्होंने इतने शानदार जिला पंचायत सदस्य इटावा का जिलाकर जिताकर भेजे हैं।
इन सारे सदस्यों ने एकमत होकर हमारा समर्थन किया है, तो मेरा सारे जिला परिषद सदस्यों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और मुझे लगता है जिस तरह से इटावा की जनता ने जो जनमत दिया है, हमें दिया हो या सारे सदस्यों को दिया हो, तो सारे सदस्य उस जनमत पर खरा उतर कर आने वाले समय में इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर समाजवादी पार्टी की जिला गौतम बुद्ध नगर इकाई के जिलाध्यक्ष रुचपाल अवाना ने अपने जिले के संगठन का विस्तार करने के आज नोएडा के सेक्टर 73 में एक सभा का आयोजन कर नोएडा विधानसभा युवा प्रकोष्ठ के लिए अध्यक्ष पद के लिए मोहित यादव को मनोनीत किया। वहीं मनोनीत हुए मोहित यादव ने अपनी 21 सदस्यीय टीम गठित करने का, संगठन को मजबूत करने का वीना उठाया, जिसमें डॉक्टर राम यादव व राजेश पांडे को उपाध्यक्ष, राजवीर सिंह को कोषाध्यक्ष व समीर को महासचिव के साथ 21 सदस्यों की कार्यकारिणी गठित की। इस अवसर पर जिले के अध्यक्ष रुचपाल लवाना के साथ साथ उपाध्यक्ष राणा व सैकड़ों कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज आप देख लो कि समाजवादी पार्टी के लोग गली गली और गाँव गाँव में इस तरह मिलेंगे आपको, की अलग ही लाल टोपी की पहचान है जिनकी। और जो हमारी तैयारी चल रही है, इन भारतीय जनता पार्टी से पब्लिक इतनी परेशान हो चुकी है, वो सिर्फ अच्छा विकल्प ढूंढ रहे हैं और समाजवादी पार्टी के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं है। क्योंकि समाजवादी पार्टी ने नोएडा की बात कर लो कि जितना भी यहाँ काम हुआ, आप तो भली भांति परिचित होंगे, सब चीज जानते होंगे कि समाजवादी पार्टी के द्वारा ही नोएडा में जितना भी काम हुआ है विकास के, वो सब समाजवादी पार्टी ने किए। उत्तर प्रदेश सरकार के प्रभारी मंत्री सतीश महाना ने सतोहा स्थित वैक्सीनेशन केंद्र का निरीक्षण किया, जहां उन्होंने खामियां पाए जाने पर कुछ स्वास्थ्य कर्मियों को लताड़ा भी। कृष्णानगर स्थित आयुष विभाग हॉस्पिटल में चल रहे वैक्सीनेशन केंद्र पर लंबे समय से पैसे लेने की शिकायत आ रही थी, जिसका रियलिटी चेक शनिवार को समय सामने आया, जब खुद रिपोर्टर अपनी वैक्सीनेशन कराने गए और उससे वहां पर तैनात कमलेश नामक ANM ने 400 रुपये की वसूली की, जिसका रिपोर्टर द्वारा वीडियो भी बना लिया गया था। बताया जा रहा है कि ANM कमलेश पहले बलदेव और राल में तैनात रही हैं, जिसकी यह शिकायत पूर्व में भी होती रही है। इसकी शिकायत जब CMO डॉक्टर रचना गुप्ता से की गई, तो उन्होंने जांच कर कड़ी कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। देश में कोरोना को खत्म करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारी मात्रा में लोगों को वैक्सीनेशन कराए जाने की अपील की जा रही है और व्यवस्थाएं पूर्ण भी की जा रही हैं, लेकिन स्वास्थ्य विभाग इस वैक्सीनेशन पर पतपलीला लगा रहा है। अब देखना यह होगा कि CMO के संज्ञान में आने के बाद मैडम क्या कार्रवाई करती हैं। अभी तक तो इस तरह की खबर मेरे पास नहीं आई है। अगर इस तरह की कोई खबर मेरे संज्ञान में आती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो ये आपकी कृष्णानगर में आयुष विभाग में जो आपका वैक्सीनेशन सेंटर है, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति को गुमराह किया जाता है कि यहाँ वैक्सीन नहीं है या आपकी वैक्सीन इतने दिन बाद लगेगी, टाइम आने के बाद, और जब वो पैसे देते हैं तो उनकी वैक्सीन लग जाती है, फिर कोई रिकॉर्ड नहीं होता। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। ये इस तरह का कोई कर्मचारी किसी हालत में ऐसा नहीं कर सकता है। पत्रकारों के सवालों से पूर्व राज्य मंत्री भाजपा विधायक अर्चना पांडे घबराई नजर आई। जी, आपको बता दें कि भाजपा से जिला पंचायत अध्यक्ष पद के प्रत्याशी प्रिया शाके को लेकर उनसे सवाल किए गए। दरअसल जिला पंचायत सदस्य के चुनाव के समय बागी तेवर के साथ चुनाव लड़ने को लेकर प्रिया शाके को एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर निष्कासित किया गया था। उसके बाद प्रिया शाके ने अच्छे मतों से जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा प्रत्याशी हार गई थी। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव आते ही अचानक ही उनको भाजपा में बिना शामिल किए ही जिला पंचायत अध्यक्ष का प्रत्याशी बना दिया गया। इन्हीं सवालों पर घबराई विधायिका और पूर्व राज्य मंत्री भाजपा के शीर्ष नेताओं से जवाब लेने की बात कही। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। पार्टी संगठन के द्वारा जो भी निर्णय आता है उसको सहर्ष स्वीकार करना और उस पर अमल करना, ये हमारे लोगों के सैद्धांतिक प्रक्रिया है और उस पर हम लोगों ने अमल किया। प्रिया के पति ओमकार शाक्य हमारे युवा मोर्चा के जिला उपाध्यक्ष थे और उन्होंने टिकट का आवेदन किया था, लेकिन कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी जिसके कारण हम प्रिया को टिकट नहीं दे पाए। प्रिया चुनाव लड़ी और प्रिया चुनाव जीती। पार्टी के द्वारा फिर निर्देश आया कि इस तरह के लोग जो भारतीय जनता पार्टी में पदाधिकारी रहे हैं और वो चुनाव जीत गए हैं, किसी कारणवश हम उनको टिकट नहीं दे पाए। सदर के मेहंदी घाट पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। गंगा नहाने आई दो बहनों की डूबने से मौत हो गई। इंदरगढ़ थाना क्षेत्र के बेलामऊ सरैया की दोनों मृतका बताई जा रही हैं। कई लोग हैं? दो लोग। सर, इनकी कोई पहचान पाई है? ये भैया नहा रहे थे, इन लोग तीन लोग जी, तो ये वहाँ पे जैसे बच्चे पैसा भीनते हैं,
तो वो ये लोग समझे कि चैन न छीन ले, वो चैन के चक्कर में दोनों ये गए, ये भी आदमी जा रहा था, ये कैसे वहाँ छूट गया, वो दोनों गए। तब तक हमने गोताखोर को चिल्लाए, भैया जल्दी आ जा, एक लड़का मिल गया, हमने गोता लगवा तो उसको निकलवाया, फिर निकाल के बाहर लाए, दाबते रहे, पानी आनी उंगली से डाला, खूब निकला। लेकिन साइज हमने सोचा उंगली दाब रही थी तो हमने हो सकता जाने, तो हमने एम्बुलेंस भी खबर करें। थाना कमालगंज क्षेत्र के इमलियाहार में दबंगों के हौसले बुलंद होते दिखे। दबंगों ने पुराने विवाद के चलते घर में घुसकर महिलाओं और बच्चों से जमकर मारपीट की। दबंगों द्वारा हत्या में गवाही न देने का दबाव बनाया जा रहा है। दबाव के चलते दबंगों ने घर में घुसकर अवैध असलाह के बल पर जमकर मारपीट की। मारपीट से घर के महिलाओं सहित 6 लोग घायल हो गए हैं। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। हमारे भाई लोग हैं, दो लोग, दोनों लोग गवाही के तौर पर थे, जो का एक मुकदमा है, उसमें दोनों की गवाही है, इसलिए इन्होंने गवाही वापस लेने के लिए पहले इन दोनों लोगों को मारा। उसके बाद हम लोग जब भाग गए, उसके बाद इन्हें घर में जाके औरतों को भी मारा, औरतों को मारा, दो औरतें यहाँ हैं, और इसीलिए ये बार बार ये कह रहे हैं मुकदमा वापस लेंगे, तो बार बार मारेंगे। कौन करा मुकदमा वापस? अरविंद अरविंद जनाब रामनाथ, वहीं रहते गाँव में। हाँ, मिलियाहार में।